किसान का जो बिल पास हुआ था, सिग्नेचर हुआ था, केजरीवाल जी कह चुके हैं कि हमारी जो नीति होगी वो जनता से बीच से जाएगी, तब हमको उसको विधानसभा में या लोकसभा में पारित करेंगे। तो जब एक किसान बिल पारित हुआ था लोकसभा में, तब क्या आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लोग इस पे में जनता में चर्चा किए थे? मुझे लगता है कि नहीं किए थे, और पूरे देश को लगता है और देश को सबको दिख रहा है कि नहीं किए थे। इसका मतलब कि केजरीवाल जी भी अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं है किसान का समर्थन कर रहे हैं, इनकी मजबूरी है, इनको करना पड़ेगा। हमारा सच मायने में हमारी लड़ाई है तो सरकार से है, सरकार जो नीति है, सरकार की नीति है, चोर चोर मौसीर है भाई, समझ रहे हैं बात को ना? हमारे जो भी जितने चोर हैं, चाहे वो किसी भी सरकार में बैठे लोग हैं, ये सब चोर हैं, और चोर चोर अपनी अपनी बात सेटिंग कर रहे हैं, सब सेटिंग से काम चल रहा है। किसान हैं ये नक्सलवादी हैं, अफगानिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, इनका पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, चीन से जुड़ा हुआ है, एंटी नेशनल बता रहे हैं। और जो ये हमारा चैनल है, ये सही मायने में यहाँ का दर्द दिखाता है, इसलिए ये चैनल देशवासियों का चैनल है। ऐसे जितने भी यूट्यूब चैनल है, जैसे आपका इंडिया पोस्ट न्यूज टीवी है इंडिया, तो इसमें चैनल को चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और इसके बारे में तह तक जाएं। हाँ जी, की नाम सर अपना? सर मेरा नाम प्रशांत है। तो क्या आपका ऑक्यूपेशन क्या है? मैं LLB स्टूडेंट हूँ। और यूपी से आए हो? जी, यूपी से आया हूँ। यूपी किस जगह से? यूपी में मऊ। जी, तो कैसे देख रहे हो संघर्ष को, क्या महसूस हुआ यहाँ पे आके? यहाँ पे आने के बाद संघर्ष यही लग रहा है कि जो सत्ता में बैठे वैसी लोग हैं, तानाशाही लोग हैं, उनका हारना पड़ेगा, बैकफुट में जाना पड़ेगा। तो ये जो आपने, हमारे जो भगत सिंह जी हैं, हम उनके वारिस हैं, आपने उनकी किताब पकड़ी हुई है, ये इसके पीछे क्या मकसद है? भगत सिंह के पूरा देश वारिस है। भगत सिंह एक इनकलाबी आदमी थे, उनके अंदर जुनून था शोषण के खिलाफ। वो शोषण के खिलाफ बाबा भगत सिंह का जो चेहरा देखने के बाद, जो लोग हैं इस देश में जो हिफाजत की बात करते हैं, जो हिफाजत की बात करेंगे, उनको ये देखने के बाद उनके अंदर एक खून उबाल मारेगा, वो सत्य के साथ खड़े हो जाएंगे। इसलिए भगत सिंह का ये जो फोटो है, जो तस्वीर है, जो किताब है, मैं लेके घूम रहा हूँ और लोगों को दिखा भी रहा हूँ। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग मुझे भी दिखा रहे हैं कि भैया भगत सिंह हैं। और ये भगत सिंह की जो धरती है, भगत सिंह का जो क्रांति है, पूरे दुनिया भर में, जो अपना पंजाब है, पंजाब को आज पूरे दुनिया भर में, एक बार तो पंजाबियों का तो ऐसे इतिहास ही अमर है, बाकी भगत सिंह ये फिर से क्रांति, ये बहुत बड़ा इतिहास में दर्ज किया जाएगा। आज का दिन जो किसानों को ये आंदोलन है, ये दर्ज किया जाएगा, किसान का आंदोलन जो है आज के आने वाले समय में लिखा जाएगा कि किसान सिंघू बॉर्डर पे खड़े थे, डटे थे, वो इनकी औलादे थे। जो आप दिखा रहे हो कि आप मोटिवेट भी कर रहे हो, है ना? जी 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 हाँ। और सर जी, सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जो तानाशाही सरकार है, उसका अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से, मतलब बैंडी करना है, हटाना है, जैसे इनको यूनिटी नहीं करने दे रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम सबको यूनिटी में आना पड़ेगा, और जब हम यूनिटी में आएंगे तो यकीनन हारेंगे। इनकलाबी माहौल है, और ऐसा इतिहास में, जितनी मेरी उम्र है, अब आज तक इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन मैंने नहीं देखा था। मतलब ये इतिहास सृजा गया है, बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा इतिहास है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में इसको इतिहास में दर्ज किया जाएगा, और जो हमारी नस्लें होंगी, जो हमारे देश की नस्लें आएंगी, वो इसको पढ़ेंगे। मतलब आप पूरे तरीके से साथ हो, पंजाब हरियाणा के साथ हो, पूरा देश अभी पूरा साथ दे रहा है। मैं आपको बता दूं, ये हरियाणा और पंजाब का मैटर नहीं है, ये भारत के कणकण का मैटर है। भारत का जो ज़मीन है उसको बिकाऊ, मतलब बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है। जो उसके संरक्षक हैं, जो किसान हैं, उनको मजदूरी करने पर मजबूर किया जा रहा है। उनको जैसे मान लीजिए कि आप पत्रकार हैं, इनका पत्रकार इस टीवी का कोई मालिक होगा तो आपको रखना चाहिए, आप मालिक होंगे तो किसी को रखेंगे। इस तरह से किसानों को रखा जा रहा है यहाँ पर। आपकी भी ज़मीन है कि नहीं? हमारी तो ज़मीन है, लेकिन ज़मीन मतलब हमारी बहुत नहीं है। मतलब ज़मीर जरूर जिंदा है? ज़मीर हमारा है, ज़मीन हमारे पास नहीं है, लेकिन ज़मीर है। तो आपको जो सरकारों से कोई अपील है, आपकी सरकार के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, जो हमारे देश की सरकारें जो चला रहे हैं? देखिए सर, सरकार जो होती है वो शोषण करती है, सरकार का दूसरा नाम हो गया शोषण। इस देश में जब से संविधान लागू हुआ, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जब से संविधान लागू हुआ, अगर उस पर काम किया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो सरकार से हमें उम्मीद करना, हमको लगता है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सरकार से हम अपने हक को मांग रहे हैं, और देखिए लोग रोड पे बैठे हुए हैं। आज दिल्ली के धरती पे 37 दिन से ऊपर हो गया है, और जो हमारे किसान सैनिक हैं, जो हमारे किसान लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उन लोगों ने अब से 39 के आसपास शहादत दे चुके हैं।
यानी इस धरती को छोड़ के जा चुके हैं और कहते थे, उनमें से कुछ साथी ऐसे भी कहे हैं जिनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर उनकी मतलब बातें आई हुई कि हम मरेंगे तब घर जाएंगे या किसान बिल वापस होगा तब घर जाएंगे। वो मर गए फिर गए वो, ठीक है। तो आपके हिसाब से अभी इंडिया में जो स्टेट्स हैं सबसे जो बेहतरीन जो ड्यूटी निभा रहा है, कौन सी सरकार सबसे बढ़िया ड्यूटी निभा रही है अपनी? देखिए साहब, सरकार की बात कर, मैंने पहले कह दिया कि सरकार का मतलब होता है ये शोषण करना। और रही हम जिस दिल्ली में हैं, दिल्ली की बात बताओ, केजरीवाल का, केजरीवाल जी जब सरकार में आए थे तो केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी जो नीति होगी वो जनता के बीच से जाएगी, फिर हम लोग विधानसभा में पारित करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ जो किसान बिल पास हुआ है इस पर किसान क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के लोगों का संरक्षण है, सिग्नेचर है, सहमति है। तो जब किसान और किसान का जो बिल पास हुआ था, सिग्नेचर हुआ था, केजरीवाल जी कह चुके हैं कि हमारी जो नीति होगी वो जनता से बीच से जाएगी, तब हमको उसको विधानसभा में या लोकसभा में पारित करेंगे। तो जब एक किसान बिल पारित हुआ था लोकसभा में, तब क्या आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लोग इस पर में जनता में चर्चा किए थे? मुझे लगता है कि नहीं किए थे, और पूरे देश को लगता है और देश को सबको दिख रहा है कि नहीं किए थे। तो इसका मतलब कि केजरीवाल जी भी अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं है किसान का समर्थन कर रहे हैं, इनकी मजबूरी है, इनको करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और जिस धरती पे हम लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए खून पसीना एक किया है, अपने प्राणों की बलि देके हमें आज़ादी दी है। उस आज़ादी में ये हमारे वोट से मुख्यमंत्री बने हैं इस देश के, दिल्ली सरकार के जो दिल्ली के लोग उनको वोट दे के मुख्यमंत्री बनाया है, इन्होंने उनको छला है। क्योंकि ये खुद कहे थे, इनके एजेंडे में था कि हमारी नीति सरकार जनता के बीच से जाएगी तब जाकर विधानसभा में पारित होगी। तो जब इस जो हमारा किसान तीन कानून बिल है ये जनता में बीच में पारित नहीं हुआ, तो ये जाके इन्हें लोकसभा में पारित कैसे कह दिया? इनका जो एक सांसद जी हैं वो कहते हैं कि हमने इनका विरोध किया है। तो भैया विरोध कब किए हैं? जब लोग मरने लगे हैं, जब किसान मरने लगे हैं, जब किसान रोड पर उतर गए तब मरे? अपने बाल बच्चे को लेकर किसान इतनी कड़कड़ाती धूप में कैसे मतलब मर रहा है? ये टीवी पे बैठ जाएंगे, डिबेट करेंगे, सांसद में राजभवन में जाकर बैठेंगे, विधानसभा में जाकर बैठ के बातें करेंगे, ऐसे क्या कहते हैं? ये चीज़ तो पहले करनी चाहिए थी ना, चूंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, केजरीवाल की सरकार कहती थी, केजरीवाल की नीति कहता था कि हमारी जो सरकार है वो जनता की नीति को जनता में रख के जाएगी और जो जनता तय करेगी उसको हम विधानसभा में पारित करेंगे, और इन्होंने बगैर जनता के सहमति से उन्होंने पारित कर दिया। तो हम इनको कैसे अच्छा माने? रही बात हरियाणा के मुख्यमंत्री की, मनोहर लाल खट्टर की बात बताता हूँ। मनोहर लाल खट्टर स्टीम मीडिया पे आते हैं और एक स्टीम क्या कहते हैं अपना प्रचार करते बात कहते हैं, कहते हैं क्या है कि अगर कानून जो तीन बिल आया काला बिल, अगर काला बिल उसको साबित कर देगा किसान, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अब बताइए पूरे देश का जो किसान है, जो हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान, यूपी का किसान, जो लोग रोड पे हैं, ये लोग क्या पागल हैं? ये समझा नहीं पा रहे हैं? तो अब सोचिए, जब वो कह रहे हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे, या तो मनोहर लाल खट्टर जी हमारे किसानों को पागल बना रहे हैं या तो खुद पागल हैं। दूसरी बात, इतिहास में पहली बार दर्ज किया जाएगा मनोहर लाल खट्टर के नाम कि वो किसानों को रोकने के लिए बड़े बड़े रोड पे क्या कहते हैं पत्थर डाले गए और साथ ही साथ रोडों को खनवा दिया गया, मतलब खुदा कर दिया जाए कि वहाँ पर उनके ट्रैक्टरें ना जा सके। और हमारे किसानों को रोकने के लिए वाटर चलाया गया, पानी का सिस्टम, इसके पास यहाँ कुछ हथियार भी बुलाए गए थे, ऐसे सुनने में आया था, टीवी में भी मिला था। तो कौन सरकार हमारी है? हमारा सच मायने में हमारी लड़ाई है तो सरकार से है। सरकार जो नीति है, सरकार की नीति है चोर चोर मौसियर है भाई, समझ रहे हैं आप बात को ना? हमारे जो भी जितने चोर हैं, चाहे वो किसी भी सरकार में बैठे लोग हैं, ये सब चोर हैं और चोर चोर अपनी अपनी बात सेटिंग कर रहे हैं, सब सेटिंग से काम चल रहा है। हमारे देश में, मैं आपके चैनल के माध्यम से, देश में जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो इस देश में वोट का अधिकार पा चुके हैं, जो वोट का अधिकार मांगना चाहते हैं, जिनको भगत सिंह की आज़ादी प्यारी है, इस देश में सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी प्यारी है, इस देश में अम्बेडकर की आज़ादी प्यारी है, उन सबको मैं अपील करूँगा कि किसान आंदोलन के बीच में आए और किसानों का मनोबल बढ़ाएं। अगर आ ना सकें तो अपने घर में, आजकल जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से एक वीडियो बनाएं, अपनी बात रखें किसानों तक, क्योंकि वर्ल्ड मैटर बना हुआ है और इसको दुनिया में ये बात पहुंचे। आता है हमारे देश में प्रधानमंत्री जाते कहते हैं हमारा देश बहुत विकसित कर रहा है। हमारे देश में एक लड़की भात भात करते करते मर गई, अब हमारे किसान मर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट को इन लोगों ने इंटरनेशनल बता दिया, जवान जो 48 पुलवामा में सैनिक हमारे मारे गए थे उनका आज तक कोई जिक्र नहीं हुआ, उनका कोई सिक्योरिटी नहीं बैठी, उनका कोई सीबीआई जांच नहीं हुआ। तो ये सिर्फ जुमला है। और केंद्र की जो सरकार है, अमित शाह, मोदी, इनकी जो जुगलबंदी है, आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो आप लोग देखिएगा, इसको सर्च करिएगा सर जी, अमित शाह ताड़ीपार था देश का, उसको ताड़ीपार घोषित कर दिया गया था, वो आज हमारे देश का गृह मंत्री बना हुआ है। गोधरा कांड याद है 2002, मोदी जी के मतलब ऐसा क्या मोदी जी ने करवाया, मोदी के सरकार में किया गया था, वो याद है। तो ये हमारे देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, और जो गृह मंत्री है वो ताड़ीपार है, और इनकी ये मोदी बेवलाद है,
तो इनकी औलादों की सरकार है, जिसका बच्चा रोता है ना सर, जिसका बच्चा रोता है उसको पता होता है कि दर्द क्या होता है, जो बच्चा पालता है उसको पता समझ में आता है करा रहा है। अभी आप मैं बताऊँ, एक 4 महीना का बच्चा लेके एक सरदार जी आए थे और बच्चा रो रहा था और फिर बच्चों को मना रहे थे, उनकी जो बच्चे की माँ थी वो कहीं गई थी तो बच्चा रो रहा था। मैं देखा, मैंने कहा कि आपको क्या जरूरत है बच्चे के लेके आने की, तो कहा कि जब हमारा भगत सिंह 21 वर्ष की उम्र में जब गोली खा सकते हैं तो मेरा बच्चा अगर इसमें रो सकता है तो मेरे लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है। फिर मेरे आंखें मतलब भर गई। तो ये जो पंजाब की धरती है, ये उधम सिंह की धरती है, गलत के खिलाफ जलियांवाला बाग जाके लंदन में गोली मारा था उधम सिंह जी ने, और भगत सिंह की कहानी मतलब यही है। तो ये जहाँ पे शोषण हुआ, शोषण के खिलाफ ये जंग है। और मैं सरदारों की जो फौज थी, निहंगों की जो पावर है यहाँ पे, वो देखने लायक है, उसको दुनिया देख भी रही है आपके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। साथ ही साथ जो बाबा का जो तेग बहादुर बाबा का जो है, गुरु गोबिंद सिंह साहब का, एक सरदार जी से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि जहाँ पे जुर्म होता है, जहाँ पे जुर्म होता है, जहाँ पे भूखे लोग हैं वहाँ पे लंगर लगाइए, अगर ज़रूरत पड़े तो सर भी कटाइए। तो ये उस धरती के लोग हैं और ये इनकलाबी लोग हैं, और इनकी मेहनत काबिले तारीफ़ है और व्यर्थ नहीं जाएगी, सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। जैसे आप LLB हो, जैसे आपने बताया, आपकी बातों से मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो आपको लगता है कि ये चल रहा है सिस्टम, ये चेंज होना चाहिए आने वाले टाइम में? जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं वो सरकार चलानी चाहिए उनको, जो अनपढ़ हैं उनको ये जनता जो है खारिज कर दे। देखिए सर, मैं बताऊँ आपको, सबसे पहली बात है, आज तक हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनी डिग्री नहीं दिखाई, सबसे बड़ी बात समझिए। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जिसके वोट से ये देश का प्रधानमंत्री बन गया, NRCCA लगा के उसको बता दें। मैं आपको बताता हूँ, कोलकाता में, बंगाल में एक जवान देश के बॉर्डर पर काम कर रहा है, हमारे देश के लिए काम कर रहा था हमारा सैनिक, और उसके माँ बाप अवैध हो गए हैं इस देश में, समझिए। जिसने अपनी डिग्री नहीं बताई इस देश में, और जिसने हमारा वोट लिया, हमारे सैनिक वोट लिया और वोट लेकर प्रधानमंत्री बन गया इस देश का, और वो उस सैनिक के माँ बाप को अवैध बता दिया, तो ये अनपढ़ आदमी है। नोटबंदी इसका फेल, GST इसका फेल, और स्टार्टअप इंडिया फेल, स्टैंडअप इंडिया फेल, ठीक है, हर चीज़ इसका फेल। जैसे आपने कहा कि हर चीज़ के लिए ये लोग टेस्ट करते हैं, तो जब भी कोई सरकार बनानी हो तो लोगों को चाहिए कि इनका भी टेस्ट लिया जाए, इनको नॉलेज है या नहीं है। देखिए सर, मैं बताऊं कि लोग जो हमारे हैं ना, हमारे जो लोग हैं, जो जनता है, जिनको कुछ नहीं आ रहा है, हमारे देश का 60% कृषि वर्ग पर जीता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे पढ़ ले रहे हैं वो दूर हो जा रहे हैं, लेकिन जो आज हमारे देश का जो गरीब मजदूर है, जिसकी माँ अपने बेटों को गोद में लेकर कटिया करने जाती है, कटिया करना समझते हैं मतलब हसुआ से गेहूं काटने का काम करते हैं, धान काटने का काम करते हैं, उनकी माँ दिन भर मजदूरी करके आती है तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती है, ठीक है। तो वो लोग जहाँ पे शिक्षा नहीं है, वो शिक्षा से वंचित कर दिए गए हमारे देश में। बताइए, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा और 23 तारीख को बंद रहा भारत, उसके बाद से 24 तारीख से लॉकडाउन लग गया, और उसके बाद से कम साल भर तक मान लीजिए कि लॉकडाउन लगा रहा, साल भर से स्कूलें बंद हो गई हैं। आज गांव में आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाइए, कलकत्ता जाइए, बंगाल जाइए, बिहार जाइए, उड़ीसा चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, मध्य प्रदेश चले, महाराष्ट्र चले जाइए, है ना, पंजाब चले जाइए, जो हम जहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लाइटें नहीं है, वहाँ पे बच्चे उनको कैसे पढ़ पाएंगे? ये लोग कह रहे हैं हम डिजिटल पढ़ा रहे हैं, जिनके घर में 15,000 की मोबाइल नहीं है, जिनके घर में जिनका बाप मजदूरी करके 30 दिन में 4 दिन काम मिलता है, 150 रुपये की मजदूरी करता है, वो अपने बच्चे को 15,000 का फ़ोन कैसे दिला पाएगा? ये मैं आपको बताऊँ कि जो जियो फ़ोन आया था, एक बार फ्री में जियो फ़ोन दिया जा रहा था, फ्री में दिया जा रहा था जियो फोन, उसके बाद से क्या किया कि पैसा लगाया 99 रुपये का रिचार्ज लेकर आया, फिर 199 का लेकर आया, फिर 299 का लेकर आया, फिर 399 का, अब 750 रुपये का लेकर आया गया। तो समझिए, ये जो व्यवस्था है ना इनकी, ये सब तोड़ने की है और तोड़ रहे हैं। ये सब एक प्लान के हिसाब से चल रहा है, राजनीति अपनी जो है पूरी चल रही है इनकी। देखिए, मोदी जो है वो चुनाव में जब लड़ने के लिए आए थे तो मोदी जी की जो फंडिंग हुई थी, वो फंडिंग कहाँ से हुई थी, इस चीज़ को हमें समझने की जरूरत है। पूंजीपतियों से हुई थी, तो जैसे आप हमारा पैसा लेंगे तो हमें देंगे नहीं देंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो हम जो ये मोदी जी पैसा लिए थे उनकी भरपाई कर रहे हैं, और भरपाई वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताऊं, इसी तरह से भरपाई किया जा रहा है। किसानों का जो ज़मीन है वो कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पर रख दिया जाएगा और किसानों को मजदूर बना दिया जाएगा। तो अब समझिए कि जो हमारे किसान मजदूर बन जाएंगे, तो जो किसानों के साथ जो मजदूरी लोग कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे? उनका तो काम खत्म हो गया, तो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, बदमाशी करेंगे, छीना झपटी करेंगे, मर्डर करेंगे या आत्महत्या करेंगे, यही करेंगे ना। अच्छा, जब हमारा देश का किसान ही मजदूर बन जाएगा तो हमारा अन्न कहाँ से आएगा? जो देश भर में जो क्या कहते हैं 8 लाख से ऊपर तक दुकानें हैं, 8 लाख से कोई ज़्यादा दुकानें हैं, है ना, जो मतलब रजिस्टर्ड है, गिनती नहीं है। मैं बताऊँ आपको कुछ, मतलब एक प्रदेश की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे यहाँ तक मतलब अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ।
तो वो दुकानें तो बंद हो जाएगी ना, जब हमारा किसान और जो हमारे किसान की जो जमीनें हैं वो बेच दी जाएगी, गिरवी रख दी जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में दे दिया जाएगा, तो हमारी जो सरकारी दुकान है वो तो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे प्राइवेट स्कूल में आप चले जाइए, सरकारी स्कूल में चले जाइए, सरकारी स्कूल की हालत देखिए और प्राइवेट स्कूल की हालत देखिए, बेहतर कहाँ पे प्राइवेट में। तो जो APFC जो इनकी जो नई मंडी लेकर आने का जो सिस्टम है, पुरानी मंडी खत्म कर देंगे, तो जब पुरानी मंडी खत्म हो जाएगा तो ऐसे बिक गया। तो ये कुल मिला जुला के देश का कणकण बेचना चाहता है, ठीक है। इन्होंने आए थे तो कहते थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे, हम झुकने नहीं देंगे, ना जाने क्या क्या कहा था। कुल मिला जुला के जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ आश्वासन से काम कर रहे हैं। आश्वासन के अलावा इन्होंने कुछ दिया देश को? इन्होंने कहा हम रिपोर्ट कार्ड देंगे अपने काम का, आज तक इनका रिपोर्ट कार्ड हुआ? दूसरी बार सरकार में आ चुके हैं, और सरकार में आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग हैं जो, देखिए जो इस देश की जनता है, जो इस देश में आज़ादी मिली थी वो बैलेट पेपर, तो बैलेट पेपर मतलब ऐसा होकर बंद होता है, उसमें हम लोग अपना मत डालते हैं, किसको डालें वो हमारी मर्जी है, लेकिन हम लोग जो वोट हमारा जा रहा है वो EVM को जा रहा है, EVM मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन को। हम लोग अपना वोट किसको दे रहे हैं? मशीन को। और मशीन किसको वोट देगी ये तो तय मशीन करेगी ना। और जैसे समझिए कि जो मशीन हम बनाते हैं, ये मशीन हमने बना दिया है, ये मोबाइल हमने बना दिया, तो मोबाइल अगर हमने बना दिया है तो मोबाइल को हम बिगाड़ भी सकते हैं, बना सकते नहीं बना सकते, मोबाइल को इंसान ही बनाया ना, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन उसको इंसान बनाया है, तो क्या इंसान उसको बगल नहीं सकता है? तो कुल मिला जुला जैसे ये पीछे चला कि अपने फ़ोन जो आए हैं अभी एंड्रॉयड, इसमें ऑप्शंस आई हुई हैं कई की, जैसे वो चेहरा भी ले लेते हैं लोग के लिए, फिर वो अपना फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, सभी तो ले लिया सरकार ने, तो फिर बचा गया इन चीज़ों की नॉलेज जो है अपने लोगों को होनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ कि जो ये आधार कार्ड आया, आधार कार्ड के पास प्रिंट रखा गया, और जो मतलब मोबाइल का जो सिस्टम है, आप देखते होंगे जो IT सेल के लोग काम करते हैं, आप यहाँ पे बैठे रहेंगे मुंबई में उनका काम चल रहा है, मुंबई में लोग बैठ के अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपका सिस्टम काम कर रहा है। तो ठीक जब देश को गुलाम बनाने की नीति होगी, जो जब ईस्ट इंडिया आई थी कंपनी, उसी तरह से एक किसान बिल लेकर आए हैं, जब किसान पूरी तरह से मतलब इनके कब्जे में हो जाएगा, जब किसान मतलब बिक जाएगा, जब किसान को ये लोग खरीद लेंगे, उसके बाद से जो बच्चे खुचे देश के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करके जीते हैं, उनका आधार कार्ड का जब सारा सिस्टम इनके पास, इनका मतलब मोबाइल के वजह से सारा सिस्टम इनके गवर्नमेंट के पास हो गया है, सिस्टम काम कर रही है, टेक्नोलॉजी काम कर रही है, सारा सिस्टम इनके पास चला गया है, एक आ एक पूरे देश को गुलाम बना देंगे, पूरे देश के लोगों को गुलाम बना देंगे, ये इनकी रणनीति है। आपको नहीं लगता कि ये 2022 आने वाला जो टाइम है लोग इसका जवाब देंगे कि या फिर यही सिस्टम चलता रहेगा? देखिए सर, मैं यही बता रहा हूँ कि सबसे जैसे भी अब तक जो देखा है कि जैसे अब तो इनके खिलाफ है बात, तो ये सिंगर्स पे हैं लोग सारे, जब ये सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा 2022 में फिर से ये वोटें डाल देंगे उनको। देखिए मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ, लोग समझ नहीं रहे हैं, लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग वोट डाल रहे हैं किसको, मशीन को डाल रहे हैं वोट, और मशीन किसको वोट डाल रही है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। ये जो सिस्टम है ना, जो मशीन पहले वाला सिस्टम, बैलेट वाला पेपर अगर आता है तब इस देश की जो सरकार है, सरकार हमारी नौकर होती है, हम इस देश के नागरिक हैं, सरकार हमारी नौकर है, जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, ये हमारे नौकर हैं, इनको हम लोगों ने नौकरी दी है और कहा है कि आप हमारे देश के हित और हकूक के बात करेंगे, जहाँ पे हमारे देश के जो निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि देश में बहुत लोग हैं, सब 150 करोड़ के आसपास का हमारा देश सब हो चुका है, तो 150 करोड़ के जो आसपास के लोग हैं। यहीं पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मैं अपने जो लोग हैं उन्होंने कहना चाहूँगा कि आप गूगल पर सर्च मार दें हर एक चीज़ बारे, इस चीज़ पर भी सर्च जरूर मारो, जेडे भी अपने सरकारी प्रशासन है, जिवें ये सारे साडे पब्लिक सर्वेंट ने, मतलब साडे नौकर ने साडी सेवा वास्ते आ, पर जिहड़ी जनता वा वो जिहड़ी डरदी आ, क्योंकि ये डराउंदे ने, पर इस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ये साड़ी सेवा वास्ते आ, ते साड़े जेड़ा वा इन्हां दा काम है सेवा करना। मैं आपसे बताऊं सर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे देश में जो हम लोग की उम्र के लोग हैं, क्योंकि जो हमारे 50 से ऊपर लोग हो गए हैं वो तो हमारे बुजुर्ग हो जाएंगे है ना आने वाले समय, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमसे कम उम्र के जो हमारे साथी हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप किसी भी प्रोफेशन में रहें, लेकिन जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो मतलब कानून का जो ज्ञान है, जो नेचुरल मतलब हमेशा आपका रूटीन में आने वाला है, जैसे आने वाले वक्त में आपका पुलिस से कहीं ना कहीं भेंट हो जाएगा, पुलिस और आपका क्या संबंध है, पुलिस आपके लिए क्या कर सकता है, उसके राइट्स क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं पुलिस के माध्यम से, उसको जरूर पढ़ें, गूगल पे पढ़ें, ये चीज़ों की जरूरत है, जरूरत है, नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है, अगर ये आप कर लेते हैं तो अपना कम से कम अपना बचाव कर पाएंगे, ठीक है। और मैं सबसे ज़्यादा लोगों से कहता हूँ कि जो LLV का जो मैटर है, जो लो का मैटर है, जो लो का सेक्टर है, उसमें सबको जाना जरूरी है, बेशक आप LLV मत करिए, लेकिन LLV का ज्ञान आप जरूर लीजिए, क्योंकि राष्ट्र को आपकी ज़रूरत है, और राष्ट्र तभी सशक्त हो पाएगा, मजबूत हो पाएगा, आप सशक्त हो पाएंगे जब तक आप इस देश का कानून नहीं जान पाएंगे, ये हमारा देश सत्ता से चलते हैं। मतलब आपके कहने का कि जरूरी नहीं है कि आपने एग्जाम ही देने हैं किसी किसी भी महकमे के लिए जाने के लिए, आपको दुनियादारी की नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। जी जी, आप ना आप बेशक फेल हो जाइए उससे मतलब नहीं है, आप LLB के सारे रूल नियम्स को पढ़िए, 10 बार पढ़ेंगे 4 तो पता चलेगा,
कानून आपके क्या हैं? तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को या लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहली बात सर मैं बताऊं, ये चैनल आपका नहीं है, ये चैनल हमारा है, हमारा मतलब हम देशवासियों का है। क्योंकि जो स्ट्रीम चैनल है, जो हमारी टीवी है, जो टीवी स्ट्रीम है, उसमें लोग बैठ रहे हैं और जो देश में जो लोग हमारे हक और हकूक की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि किसान हैं ये नक्सलवादी हैं, अफगानिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, इनका पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, चीन से जुड़ा हुआ है, एंटी नेशनल बता रहे हैं। और जो ये हमारा चैनल है, ये सही मायने में यहाँ का दर्द दिखाता है, इसलिए ये चैनल देशवासियों का चैनल है। ऐसे जितने भी यूट्यूब चैनल है, जैसे आपका इंडिया पोस्ट न्यूज टीवी है, इंडिया, हाँ, तो इसमें चैनल को चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और इसके बारे में तह तक जाएं, इसकी वर्जिनिटी समझिए। मैं आपको बताऊँ, बड़ा सा कोई आएगा टाई बूट में आएगा, अच्छे अच्छे बाल होंगे, ठीक है, खूब स्मार्ट होगा, उस पर माइक पे बैठा के उसको ये भी नहीं पता है कि दाल कैसे बनती है, उसका दाल के रेट के बारे में पूछा जाएगा ना। और जो ये चैनल दिखा रहा है, यहाँ पे सब लोग जो हैं किसान लोग हैं वो दाल उगाते हैं और दाल कैसे पकती है उनको सब पता है, तो ये चैनल ये दिखाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि YouTube चैनल जो हमारे क्षेत्रीय चैनल हैं और जिस तरह के चैनल हैं YouTube चैनल, जैसे इंडिया पोस्ट आपका चैनल है, इसको लोग देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो जन की बात है वो जन तक पहुँचे। साढ़े चैनल ना बने रहो, इंडिया पोस्ट न्यूज़ टीवी ना, ताडे सामने हर एक मुद्दा लिया के आवेंगे, तो आज जी गोदी मीडिया वा इनू भी बेनकाब करांगे, तो बाकी साढ़े डिस्क्रिप्शन के कॉन्टैक्ट लिखा हुआ वा। धन्यवाद। कैमरामैन राहुल यादव, नाल रवनीश मजीठिया जी।